शराबबंदी कानून को लेकर बार बार बीजेपी नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो आज जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा है कि ये कानून बिहार में फेल है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी की सुस्ती के कारण बिहार में शराबबंदी कानून बेहतर ढंग से लागू नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा है कि इस बंदी पर समीक्षा करनी चाहिए। दलितों पर अत्याचार इस कानून के कारण बढ़ा है और पुलिस गलत तरीके से लोगों को इस मामले में फंसा रही है। साफ तौर पर डॉक्टर संजीव ने जो बातें कही हैं वो नीतीश कुमार के शराबबंदी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि समीक्षा की ज़रूरत है, नहीं तो ये कानून कभी भी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि प्रशासन के मिली भगत से बिहार में जो ट्रक है शराब के वो पहुँच रहे हैं और इसका सेवन लोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शराब हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है, ऐसे में वक्त आ गया है कि इस पर समीक्षा सरकार करे। सुनिए डॉक्टर संजीव अपने ही सरकार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और इसकी विफलता पर जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है वो हम आपको सुनवाते हैं। देख ही रहे पालन हो रहा है कि नहीं, सरकार की तरफ से तो हो ही रहा है पालन, मुख्यमंत्री का आदेश भी है, लेकिन 100% सक्सेसफुल तो नहीं ही है ये। कहाँ कमी आ रही है सर, क्या लगता है? कमी आ रही है, लोअर लेवल पे कमी आ रही है। डीजीपी को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए इस मामले में, वो थोड़ा सुस्त पड़ रहे हैं। अदरवाइज पुलिस के द्वारा ही दलितों पे अत्याचार होता है इसको आड़ बना करके, तो उसको तो रोकना चाहिए। मैं शराबबंदी पे के पक्ष में 100% हूँ, लेकिन जिस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो जस्टिफाइबल नहीं है। समीक्षा क्या मांग करेंगे, क्या मांग करेंगे, क्योंकि आप सरकार में? देखिए सरकार में है, मेरे मांग से क्या होगा नहीं होगा ये दूसरी बात है, लेकिन जो सच्चाई है मैं तो वो बोलूंगा ही, और आप लोग खुद ही देख रहे हैं, बोलने की क्या जरूरत है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन ये मुद्दा रखेंगे संजय जी, शराबबंदी को लेकर जिस तरह से आप कर, लगता है कि इसको पूरी तरह फ्री, देखिए पारस जी और कई नेता कह चुके फ्री कर देना चाहिए, शराबबंदी फेल है ना? फेल है, लेकिन फ्री कर देना चाहिए बात नहीं है, होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है, लेकिन जो वे से हो रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। पुलिस वाले समीक्षा की तो जरूरत है, बार बार होते भी आया है कानून में, पहले भी हुआ है समीक्षा, फाइन वाला पहली बार पीने के बाद फाइन होता है। डीजीपी के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष भी यही बात कर रहा है कि प्रशासन की मिली भगत से बिक रहा है। भाई तो बिना मिली भगत से ट्रक का ट्रक कैसे घुसेगा, पॉसिबल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी का तो बहुत अच्छा हुआ कि सप्लायर को पकड़ो, इससे अच्छा क्या होगा कि भाई आप उसको, उसका जो स्रोत है उसी को बंद कीजिए, और यहाँ पे स्रोत बंद करके छोड़ के और जो पीने एंड यूजर हैं उनको पकड़ने में लगे हुए, कि उससे अच्छा होगा ही होता है। एक और आरोप विपक्ष लगा रहा है कि कई जो सरकार के लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक, उनके संलिप्तता से भी शराब। ये सब बकवास है, विपक्ष के पास कुछ काम नहीं है, कोई विधायक मंत्री ये सब छोटा हरकत नहीं कर सकते, वही लोग करते होंगे भाजपा वाले, उनसे बेहतर पूछिए। लेकिन एक ही बताइए, आपको क्या लगता है शराबबंदी को क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है इसमें? देखिए मेरी राय अगर निजी राय बोलिएगा तो मैं जरूर बोलता हूँ कि शराबबंदी कंटिन्यू रहे और इसको एक सिविल ऑफेंस में लाया जाए, ताकि जो पुलिस का अत्याचार हो रहा है क्रिमिनल ऑफेंस के नाम पे, पैसा का उगाही करते हैं आम लोगों से, वो बंद हो।